बैंक संगठनों के आह्वान पर शुक्रवार को भरतपुर में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ओर से हड़ताल की गई है। इस दौरान सभी बैंकों के अधिकारियों ने पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय पर प्रदर्शन करके सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी कन्फेडरेशन आईबॉक यूनियन के नेता सुनील दत्त शर्मा ने वेतन समझौते से संबंधित लंबित मुद्दों के त्वरित विस्तारण करने की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों में सरकार की नीतियों के विरोध में आक्रोश देखा गया। प्रदर्शन में भरतपुर की समस्त बैंकों के 200 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए। हड़ताल के चलते लोगों को खाते से लेन देन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। नवंबर को हमारे द्विपक्षीय वार्ता की मीटिंग हुई थी, उसमें नाकामी होने की वजह से आज की हड़ताल घोषित करनी पड़ी। पूर्व निर्धारित था कि फुल मैंडेट बेस रिवीजन किया जाए। यहाँ मैं आपको यह आशय स्पष्ट कर दूं, फुल मैंडेट अधिकारियों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्केल होती हैं और सरकार केवल स्केल 3 तक के लिए बात करना चाहती थी। उनका कहना था कि स्केल 4 एंड अबव के लिए हम अपने हिसाब से वेतन वृद्धि देंगे, जो कि संगठन के लिए बिल्कुल नागावारा था, हमारी एकता के प्रति साजिश थी। और यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि समस्त बैंक संगठनों में आईबॉक सबसे बड़ा संगठन है जिसकी सदस्य